हार छनेरा से 5 किलोमीटर दूर चारखेड़ा आश्रम में आए हैं। छोटा सा आश्रम है पर मनोरम है बहुत। मैया से तो अभी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है मैया यहाँ से, क्योंकि हरसूद नया हरसूद लगता है और पुनासा बांध का बैकवाटर आने से किनारा कटा हुआ है, तो मैया से 5-6 दिन दूरी रहेगी। और उसके बाद इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर तक ये बाई रोड गांव-गांव से जाएंगे और ये छोटे छोटे आश्रम लगेंगे। ये है चारखेड़ा आश्रम। बम बम भोले बाबा की जय, जय जय बम बम भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, शंभो महादेवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो। हर 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 हराय नमो। शिव 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 शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिवाय नमो। हर 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 हराय नमो। शिव 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 शिवाय नमो। हर 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 हराय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिवाय नमो। हर 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 हराय नमो। यहाँ पर 2 कुएं हैं इस आश्रम में। यहाँ पर कुछ गांव के आसपास के शहर के लोग भी आए हैं कुछ। यहाँ पर देखिए बहुत मनोरम आश्रम है, रोड से, मेन रोड से लगाई हुआ है। और ये 2 कुएं हैं, यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे हैं। एक ये कुआ है और ये वटवृक्ष, बहुत सारे वटवृक्ष है, ये एक वटवृक्ष है। और वहाँ पर हमारे साथी नहा रहे हैं, मैं तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लिया था। ये ऐसा चारखेड़ा आश्रम छोटा सा। यहाँ पर ये नर्मदा माई का मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और दिव्य मंदिर बनेगा ऐसा लग रहा है। बहुत स्टील की रेलिंग लगी हुई है और पूरा बहुत सुंदर सा है, बढ़िया सा। और ये पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत मनोरम अच्छा प्राकृतिक वातावरण में है। माई की जय हो, जय जय माई की जय हो। बढ़िया सा। अभी कितने दिन में पूरा होगा ये? ये लग जाएगा एक महीना लग जाएगा। माई का ही है ना, नर्मदा मैया का ही है? नहीं, ये सिंगा जी महाराज के गुरु है। अच्छा, सिंगा जी महाराज के गुरु है, मंदंगीर बाबा। अच्छा, गुरु ब्रह्मगिर महाराज है। अच्छा, अमरपुरा के पास में। जी जी। इधर ये कुत्ते की समाधि है। अच्छा, उनका कुत्ता था। हाँ, कुत्ता। और इधर ये पाड़ा। अच्छा, ओहो, पाड़ा भी। हाँ, ये उनका सामान लेके आते थे सदाव्रत। अच्छा, सदाव्रत चलता था इनका। अच्छा अच्छा, से आते रहते जी, जी, पहले जी, संतों के जमात चलते थे। हाँ, गुरु महाराज उनके हाथ बुलवाते थे कुत्ता और बोधा के हाथ। अच्छा, वो लोग दोनों सामान लेके आते थे, इसलिए उनकी उनकी समाधि दोनों की है। और ये महाराज ने जीती समाधि। अच्छा 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 अच्छा, जीती समाधि। अच्छा, 500 साल पुरानी समाधि है। ओ, हो, हो, हो। सिंगाजी महाराज ने समाधि लिए, उसके बाद में इन्हें समाधि। जी जी। अच्छा, बहुत मनोरम सुंदर वातावरण है। देखिए पपीते कितने सारे लगे हुए हैं, नेचुरल प्राकृतिक वातावरण रहता है तो प्राकृतिक वातावरण में पपीते लगे हुए हैं। यहाँ पर ये परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था है। नर्मदे हर, यहाँ कुछ परिक्रमावासी देखिए टिक्कर बना रहे हैं, बढ़िया अपना प्रसादी पाते हैं लोग। और बढ़िया लकड़ी पे टिक्कर बन रही है ये। देखिए कहाँ से बाबा जी आप लोग? सागर एमपी, सागर होशंगाबाद। अच्छा, आप? सीहोर जिला। सीहोर मतलब भोपाल वाला सीहोर? हाँ, भोपाल से। अच्छा, कितने दिन हुए परिक्रमा उठाए?
हमको हो गए 7.5-8 महीने होने पे। अच्छा, मतलब होने को है, ओंकारेश्वर में खत्म हो जाएगी। होने को नहीं है, हो गए हैं। अच्छा, अभी तो हमारा आधा से ज्यादा हुआ है। अच्छा, वो अच्छा तो साल भर वाली है आपकी? साल नहीं, वो तो जितने दिन में हो जाएगी। अच्छा, जितने दिन में हो जाएगी। ओह, आप लोग दादा, आप लोग साथ ही में हो? अच्छा, तो माता जी ने साथ मिला दिया। माता जी जहाँ जहाँ सही बात है, सही बात है। अपने को क्या माता जी जहाँ मिला देती, कोई पहचान न जान पहचान, बिल्कुल मिल जाते चलने लगते, बस बस वही रिश्ता हो जाता है। सही बात है, कोई नहीं। आप जैसे आप पहचान के नहीं है, आप फिर पहचान हो गई, पहचान हो गई, पहचान हो गई। सही बात है। और ये यहाँ पर आश्रम है, यहाँ स्वच्छता गृह है, ये चारखेड़ा आश्रम ग्राम पंचायत हरसूद खंडवा। ये देखिए, ये फिर प्राकृतिक पूरा वातावरण है यहाँ। कम से कम स्वच्छता गृह है, नहीं तो परिक्रमा वासियों को, हमको तो अब आदत हो गई है बाहर नेचुरल वातावरण में जाने की, जंगल जाना कहते हैं कोई। यहाँ परिक्रमा के भाषा में डोल जाना कहते हैं, तो ये सब हो गई आदत। लेकिन यहाँ पर है दिव्यांग शौचालय भी है, मतलब पूरा वेल प्लान्ड है। आगे जाके अच्छा आश्रम, बहुत अच्छा बड़ा आश्रम बनेगा, ये अभी चल रहा है। बहुत नेचुरल और प्राकृतिक वातावरण। नर्मदे हर हर नर्मदे, ये दीवाले बने हुए हैं अलग अलग। यहाँ भी देखिए पपीते में कितने सारे फूल हैं, खूब फूलेगा ये भी पपीता लगता है। देखिए बहुत फूल है, कुछ झड़ जाते हैं लेकिन फलित होंगे, दोनों हैं। बाजू में भी है एक फूल, दो दो पेड़ है पपीते के, मतलब पपीता ही पपीता होगा जब फूलेगा तब। बहुत ही बढ़िया, आम का भी लगा हुआ है वृक्ष, वट वृक्ष है, आम के वृक्ष हैं। और दूसरा एक कुआ है और एक वो कुआ है उस साइड, दो दो कुएं जहाँ हों वहाँ तो फिर क्या बात, क्या कहना। नर्मदे हा, नर्मदे हा।